हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरएसएमएसएसबी से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है आरएसएमएसएसबी से, एलडीसी टाइपिंग की तिथि घोषित होने को लेकर के बड़ी अपडेट, पूरी ऑफिशियल न्यूज, बड़ी खुशखबरी, टाइपिंग की डेट हुई घोषित। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 की टाइपिंग एवं दक्षता गति, मतलब गति एवं दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित होने को लेकर यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको ले चलते हैं बिना देर के सीधा अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई वीडियोज की रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचती रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर। तो चलिए साथियों, हां तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए साथियों, एलडीसी भर्ती में दूसरे चरण की टंकण और दक्षता परीक्षा के मानक तय नहीं। पहले चरण में उत्तीर्ण 36,000 अभ्यर्थियों की दूसरे चरण की परीक्षा चुनाव के बाद होने की संभावना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दैनिक भास्कर की आज की न्यूज आई है साथियों, आपको ले चलते हैं सीधा न्यूज की ओर। जयपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन बोर्ड अब इस भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर उलझन में है। दूसरे चरण में होने वाली दक्षता और टंकण परीक्षा के लिए मानक तय नहीं है। इसके लिए आरपीएससी और कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। ऐसे में लग रहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पहले चरण में पास हुए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। दूसरे चरण की परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद ही होने के आसार है। पिछले दिनों बोर्ड ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए पदों की संख्या के अनुसार कैटेगरी वाइज 3 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 36,000 से अधिक अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल घोषित किया था। अभी इन अभ्यर्थियों की दूसरे चरण की टंकण एवं दक्षता परीक्षा के मानक तय नहीं है। मानक तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बोर्ड ने आरपीएससी और कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बोर्ड ने पिछले साल अगस्त सितंबर में 12,456 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 8.10 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। बोर्ड ने 7 मार्च को एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी किया था। इसमें कंप्यूटर अपडेशन में कुछ खामी आ गई। पहले जारी परिणाम में कुछ सवालों के आंसर बदले गए थे जो कंप्यूटर में अपडेट नहीं हो पाए थे। इसको दूर करते हुए चयन बोर्ड ने मंगलवार को इस भर्ती का रिवाइज परिणाम जारी किया। इसमें पूर्व में अस्थायी रूप से उत्तीर्ण किए 31 अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो गए और आप देख सकते हैं कि शायद 76 अभ्यर्थी इसमें नए सिरे से सफल घोषित हुए हैं। ले चलते हैं आप सीधा अपडेट की ओर। आप देख पा रहे होंगे, पहले चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टंकण और दक्षता परीक्षा के लिए मानक तय करने की कवायद चल रही है। मानक तय करने के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे चरण की परीक्षा होगी। आरपीएससी कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। कंप्यूटर अपडेशन में कुछ गलती रह गई थी, इस कारण एलडीसी का भर्ती का परिणाम रिवाइज किया गया है। इसको लेकर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। डॉक्टर बीएल जटावत, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। जिस प्रकार प्रतिभागियों को इंतजार था कि अब एलडीसी भर्ती परीक्षा की द्वितीय चरण की टाइपिंग और दक्षता परीक्षा की जल्द से जल्द तिथि घोषित हो, तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं बोर्ड के अध्यक्ष माननीय बीएल जटावत महोदय का बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर आया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अभी कवायद चल रही है और लगता है अब ये परीक्षा आपकी लगभग और लगभग लोकसभा चुनाव के पश्चात ही प्रस्तावित हो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी प्रतिभागी अब टाइपिंग के लिए ये सोच रहे थे कि अतिरिक्त समय मिले, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कुछ प्रतिभागी सोच रहे थे कि टाइपिंग जल्दी हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनके लिए एक थोड़ा सा दुखद समाचार हो सकता है ये, क्योंकि दोस्तों सभी के लिए बोर्ड समान रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन जो अभी सामने समस्या आ रही है वो प्रतिभागियों की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि आरपीएससी और कार्मिक विभाग की तरफ से आ रही है। वहां से जवाब मांगा गया है कि टाइपिंग और दक्षता परीक्षा के लिए जो आप मतलब पैटर्न क्या लगाया जाए, क्या आपका पैटर्न था और क्या नया हम लगाएं, तो आप बताइए। इस प्रकार से जो जवाब मांगा गया, अभी वो जवाब आया नहीं है। अगर वहां से तुरंत प्रभाव से जवाब आता है, तो उस जवाब के आने के अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग और दक्षता परीक्षा की जहां तक संभावना जताई जा रही है तिथि घोषित कर दी जाएगी।
तो धन्यवाद साथियों, यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले हमारे नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचते रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा जिससे यह वीडियो और अपडेट ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा मेरे बेरोजगार भाई और बहन और जो इस भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण की दक्षता और गति जो परीक्षा को लेकर के चिंता में भयसे और तनाव इसमें डूबे हुए थे तो वो अब चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त हो सके और उन्मुक्त रूप से इस परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके और अपना चयन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके, क्योंकि साथियों समय भरपूर मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, एक नए वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों, आपका एक छोटा सा प्रयास लगभग एक मिनट से भी कम समय लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करने का जो आपका छोटा सा प्रयास लगभग एक मिनट से कम समय लेगा ही लेगा और आपका ये प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।